तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज मैं आपको दिखा रही हूँ काव्या का ट्यूशन। मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बिल्कुल जस्ट बिल्डिंग के बगल में ही है, बगल वाली बिल्डिंग ट्यूशन जहाँ काव्या जाती है ना, बस वहीं यहीं पे जाती है वो। और ये देखिए रूम कैसा हो रखा है, ये देखो क्या करके गई है काव्या जाने से पहले। और सच बताऊँ ना, मुझे इस टाइम तो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था काव्या के ऊपर। ये मुझे ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, पता नहीं कितने नखरे करते हैं बच्चे आजकल के, है ना। मैंने उसको निकाल के तो दे दिए थे कपड़े, पर उसने कहा कि नहीं मैं अपनी पसंद के ही पहनूंगी। उसको ना वही शॉर्ट्स वगैरह और टी शर्ट डाल ली, बस ये सब ज़्यादा पसंद है, और जीन्स वगैरह। बट मैंने कहा ना कि इतनी गर्मी में देखो जीन्स वगैरह ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही एक तो, वैसे भी तो जो है बहुत ज़्यादा पसीना भी होता है जींस विंस में, तो मैंने कहा फ्रॉक पहन लो, है ना, हल्की सी। और उसने नहीं पहनी। और यहाँ पे जो है मैं किचन में भी आ गई थी, और उसके बाद जो है मैंने ये देखो, अब मुझे इसमें लगेगा थोड़ा टाइम, बट ये करना तो पड़ेगा ना। चलिए मैंने सोचा पहले चाय पी लूँगी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ रूम, थोड़ा सा ना चेंज करा है मैंने। सोफ़े मैंने जो है सारे यहीं पर लगा दिए, अपने दोनों कुर्सियाँ और सोफ़ा मैंने यहीं पर ला के लगा दिया। पहले मेरा जो है सोफ़ा रूम में था, अब मैंने थोड़ा लॉबी में लगा दिया बीच में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है लिपस्टिक वगैरह लगा रही हूँ शाम को, थोड़ा सा ना ब्राइटिंग हो जाना चाहिए शाम को, क्योंकि थोड़ा सुबह से तो हम ऐसे ही रहते हैं और अच्छा नहीं लगता ना फिर पूरे दिन भर ऐसे ही रहो तो, है ना। जैसे बाहर दुकान में भी जाना हो ना तो अच्छा नहीं लगता, ऐसे सो के उठो तो फिर ऐसे ही मुँह ऐसे ही रहता उतरा उतरा सा। थोड़ा सा हल्का सा रेडी हो जाओ ना तो सही लगता है। तो देखो चाय वाय में मैंने पी ली थी, उसके बाद मैं लग गई थी इन कपड़ों में तह लगाने में। और जो है काव्या भी बिखेर के गई थी अपने सारे कपड़े, और फिर दिन के भी धुले हुए रखे हुए थे, तो मैंने कहा थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, उनको फटाफट से कर लेती होता है। तो बच्चे जो है ना मानते नहीं है सच में, आजकल के बच्चे ना ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, बहुत ही ज़्यादा जो है नखरे करने लग गए हैं। और इस टाइम जो है फ़ोन भी आ रहा था, तो मैं वही देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ किसका फ़ोन आ रहा है। तो कपड़े मैंने जो है सारे तय लगा लिए यहाँ पे, दिन के कपड़े भी तय लगा रही हूँ मैं अब। और इनको जो है फटाफट से अलमारी में रख दूंगी, तय तो मैंने लगा दिया है ना। तो ये देखो तय लग चुकी है, देखो सारे कपड़े फैला के गई थी वो, ये दिन के धुले हैं, ये सारे काव्य के ही हैं। और देखो क्या अब देखो कितने सारे हैं ना, बहुत टाइम लगा मुझे। और ये देखो जो है मैंने कद्दू भी चाय पीते टाइम ही काट लिया था। और आज मैं जो है आपको कद्दू की सब्जी की रेसिपी शेयर करूँगी, हालांकि आपको पता होगा, पर देखो सबका जो है अपना अपना तरीका होता है बनाने का। मैं आज अपना तरीका शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ, और कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो जो है सब मैंने ले लिया सरसों का तेल, और सरसों के तेल में ही जो है सारी सब्ज़ियाँ ज़्यादा टेस्टी लगती है। और यहाँ पर जो है तेल गर्म हो रहा है अभी, तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले मेथी दाना, क्योंकि कद्दू में जो है उसकी जो है अलग ही खुशबू और सारा टेस्ट जो है इसी की वजह से ही आता है। मेन इंग्रेडिएंट्स जो है यही है, मुझे ऐसा लगता है ना, क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद मैंने डाला है सरसों के दाने, और उसमें मैंने डाले हैं 2-4 लहसुन की कलियाँ, और एक मैंने बारीक प्याज काट लिया था तो वो भी डाल लिया है मैंने। इसको थोड़ा रेड होने देंगे थोड़ा सा हल्का सा, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। टमाटर देखो मैं एक टमाटर ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं ले रही, क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा टमाटर जो है फिर से रेट हाई हो चुके हैं इनके, है ना। और ये देखो मैंने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको बस थोड़ा सा भुनेंगे। उसके बाद मैं डाल लूँगी इसमें कद्दू, कद्दू को फिर जो है थोड़ा सा नमक डाल के ढकने रख देंगे, ताकि जो है हमारा कद्दू अच्छे से जो है गल जाए। गल तो क्या जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए ना, फिर उसके बाद थोड़ा फिर और थोड़ी देर और पकाना पड़ेगा जब हम मसाले भी डालेंगे, पर मैंने सोचा थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं डालूंगी बाकी के बेसिक मसाले जो भी हमारे, नमक मिर्च और हल्दी धनिया और जो भी होता है। नमक मैंने पहले ही डाल दिया है, सॉरी नमक नहीं डालूंगी मैं, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। आप तेज़ खाते हो तो ज़्यादा डालो, कम खाते हो तो कम डालो, ठीक है। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है सारे मसाले डाल दिए हैं। गरम मसाला मैं किसी भी सब्ज़ी में ऐड नहीं करती हूँ, जैसे कोई कोई सब्ज़ी होती है ना खास, मटर पनीर हो गया जैसे, और चिकन वगैरह हो गया, तो बस इन्हीं दो में मैं कभी कभार डालती हूँ, वरना तो मैं किसी भी सब्ज़ी में गरम मसाला ऐड नहीं करती हूँ। क्योंकि हम एक तो वैसे ही गर्मी हो रही है, ऊपर से फिर गरम मसाले से और ज़्यादा पेट में जलन होती है ना, फिर इस वजह से।
तो यहाँ पे जो है मैं सारी बोतलें भी जो है धो के और फिर इसमें पानी भर लूँगी, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो रही है कि जो है पानी का भरने में तो हमें टाइम लगता है पर ख़त्म होने में 1 सेकंड नहीं लगता। तो चलिए मैं जो है बोतलें फटाफट भर लेती हूँ। तो देखिए बोतल मैंने सारी भर दी थी, और हमारे यहाँ बोतल आती है ना वैसी जो बाहर से जो खरीदते हैं वो वाली, तो वो इसमें भर रही थी बर्तन में ले लेके पानी, तो फ्रिज में रख दी मैंने सारी बोतलें। और मैं अब आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर कद्दू हमारा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, मैंने चेक करा था, तो उसमें मैंने सारे जो है मसाले हैं मैंने डाल दिए हैं, और इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। उसमें मैं डाल दूँगी टमाटर को, मैंने थोड़ा सा हल्का सा कद्दूकस की मदद से कर लिया, निकाल लिया था उसका जो भी पल्प होता है ना वो सारा निकाल के इसमें डाल दिया, ताकि जो है छिलके विलके ना दिखे सब्जी में। तो बस अब जो है सब्जी हमारी देखो ये हो चुकी है रेडी, और बताना मुझे कमेंट करके ही कैसी लग रही है, ठीक है? तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, बाय बाय।